कहते हैं कि किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, अगर हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सर उठाकर अगर आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। ये कहावत प्रयागराज के 12 साल के कैंसर पेशेंट हर्ष दुबे पर सटीक बैठती है। हर्ष की मदद के लिए जिले के 3 अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग फरिश्ते बनकर सामने आए हैं। हर्ष का हौसला बढ़ाने के लिए एडीजी प्रेम प्रकाश ने बॉडी किट देने के साथ साथ हर्ष को एक दिन का एडीजी प्रयागराज भी बनाया। हर्ष ने भी एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह एडीजी ऑफिस में बैठकर पुलिस व्यवस्था को समझा तो कई डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके कार्य रिपोर्ट भी आगे बढ़ाई। उधर कमला नेहरू हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बी पाल के साथ साथ डॉक्टर राधा रानी घोष और सर्जन विशाल केवलानी भी मौजूद रहे। शहर के कैंसर सर्जन डॉक्टर की टीम ने हर्ष को आश्वासन दिया कि अब जो भी इलाज उसका होगा वे पूरी तरीके से निशुल्क होगा। साथ ही साथ प्रयागराज की मशहूर समाज सेवी पंकज रिजवानी ने भी हर्ष का हौसला बढ़ाने के लिए कई सामान हर्ष को दिए। एंटी टबको एक कैंपेन चली थी जिसमें पंकज रिजवानी जी लगातार मुझसे मिलते रहे और कैंसर किन कारणों से होता है उनके बारे में प्रकाश डाला। उसके बाद में एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताया जो बहुत ही टैलेंटेड है, हर्ष दुबे, जो आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनको एक दिन का एडीजी बनाया गया है। ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी से निकलकर सामने आए हैं और इसमें सबसे बेहद जो खूबसूरत सहयोग रहा है पंकज जी का तो है ही, साथ में डॉक्टर साहब भी आ जाए हुए हैं और इनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जिन्होंने इस बीमारी में लड़ने में इनका मनोबल बनाए रखा। और इस तरह की बीमारी जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि सब चीज़ों का इलाज मौजूद है और इक्विपमेंट्स भी इस तरह के हमारे पास हैं कि जिनसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर किसी को है बीमारी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है ऐसे सपोर्टर्स की जैसे हमारे पंकज रिजवानी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके पिता एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और हर्ष दुबे जी का आज का जो एडीजी का कार्यकाल है एक दिन का, वो सफलतापूर्वक ये पूरा करें तो मेरी मनोकामना है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि समाज सेवी पंकज रिजवानी द्वारा उनको ये सूचना मिली कि 12 साल का मासूम हर्ष एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है जिसको मदद की दरकार है। ऐसे में हर्ष का इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम और एडीजी प्रेम प्रकाश ने फैसला लिया कि हर्ष का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हर्ष गौरव महसूस करे और इसी के कारण एडीजी प्रेम प्रकाश ने हर्ष को एक दिन का एडीजी बनाया और वो सारे कार्य हर्ष से लिए गए जो कार्य एडीजी द्वारा किए जाते हैं।